Hi beauties and welcome back. आज की वीडियो रहने वाली है बहुत एक्साइटिंग मेरे लिए स्पेशली बिकॉज आई हैव वेरी ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ फुटवेयर फ्रॉम मीशो एंड कुछ मैंने कुछ टाइम पहले बाय करी थी कुछ मैंने रिसेंटली ऑर्डर करी है. दे आर जस्ट अमेजिंग. प्राइस पॉइंट तो मस्त है ही. सो मीशो पर लिंक्स नहीं चलते, कोड चलते हैं. कोड आपको हर एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स बिगिन विद दिस मीशो फुटवेयर हॉल. And this is my first pair of heel. This is amazing. इसको मैंने बहुत बारी डाला है. मैंने ये कोई 2-3 महीने पहले मीशो से बाय करी थी. Just look at this. मतलब मुझे प्रिंसेसी वाली वाइब दी है आफ्टर वेयरिंग दिस. मतलब सिंड्रेला काइंड ऑफ, यू नो, आप देख सकते हो कितनी ग्रेसफुल है ये फुटवेयर. कुछ इस तरीके से मिल जाएगी. थोड़ी सी इसकी हील है एंड इट इज़ गिविंग यू सॉर्ट ऑफ सम हील. ये मुझे पड़ी थी 650 रुपीज़ में, मीन 650 रुपये में. उसके अकॉर्डिंग एमएस से मेरा एक एक पैसा वसूल हुआ है क्योंकि मैंने बहुत बारी डाली है वीडियोज़ में, आपने भी देखा होगा. एंड जस्ट लुक एट दिस, काइंड ऑफ वैली शेप में है. यू आर गेटिंग वी शेप फ्रॉम यू नो स्टार्ट. एंड पीछे कोई क्लोजर वगैरह नहीं है बट ये आराम से आपके पैरों को ग्रिप बना के रखेगा एंड योर फीट गोना स्टे इन देयर फॉर लॉन्गर टाइम. एंड साथ में इसकी जो हील है वो थोड़ी छोटी है तो आपको कम्फर्टनेस भी मिल जाएगा. और दो कलर अवेलेबल थे, गोल्डन एंड सिल्वर. सिल्वर की ग्रेस ना बहुत ही अलग आ रही थी. गोल्डन का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बट सिल्वर की अलग ही ग्रेस आ रही थी. मतलब मुझे ये आज तक की सबसे बेस्ट फुटवेयर लगी फ्रॉम मीशो. Moving to the next, this heels. This is proper heel. ये होती है proper heel. आप heel देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा. मतलब मेरी height ना कोई 2 inch लंबी हो जाती इसको डालने के बाद. But oh man, it's amazing. ये वाली जो transparent heels ना काफ़ी समय से trend में है and मुझे पर्सनली तो बहुत ये लगती है कि जो मैं डालती हूँ ना मेरा पैर अच्छा लगता है, सुंदर लगता है. क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांसपेरेंट हील्स हैं तो ये जो आगे से ट्रांसपेरेंट आपको स्ट्रैप मिल रहा है वो जस्ट एडिंग अ क्लासी एलिमेंट. क्लासी ये जो स्ट्रैप आपको मिल रही है रैप अराउंड करने हैं आपको अपनी टांग पर. और ये जो आप मटीरियल देख रहे हो ये पूरा स्वेड का मटीरियल लगा हुआ है विच इज़ अमेजिंग. मतलब ग्रेस बहुत अच्छी आ रही है. आप देख सकते हो हील बहुत लंबी है. ड्रॉबैक ये लगा क्योंकि हील बहुत ज़्यादा है मेरे लिए थोड़ा टफ था लाइक लॉन्गर टाइम के लिए इसे वेयर करना बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन जो हील को कंटिन्यूसली 8-9 घंटे तक डाल सकती है. बट मुझे बीच में इसे चेंज करना पड़ गया था. बट एंड साथ ही में जो मटेरियल नीचे लगा हुआ है ये प्लास्टिक वाला, ये रबर वाला नहीं है. एंड जो मतलब शो करता है कि मतलब जितना हमने पैसा पे किया है उतने में उतना ही मिलेगा, ठीक है. तो अदरवाइज प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. डेफिनेटली आप ट्राई करना, ठीक है. एलिगेंट, मतलब ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे यू नो रिनाउंड ब्रांड्स में देखे हैं इस तरीके के फ्लैट्स. तो दिस इज़ बेसिकली प्रॉपर फ्लैट है. थोड़ी सी हील मिल रही है विच इज़ लाइक ना के बराबर ही है, बिल्कुल फ्लैट है. एंड इट्स इन द ब्लैक कलर. ये पूरा जो चेन का गोल्डन चेन का वर्क जा रहा है ना ये क्लासी एलिमेंट ऐड कर रहा है. प्लस ये इसके ऊपर वैली के ऊपर पूरा ये जो इंप्रेशन वगैरह बने हुए हैं इट इज़ जस्ट अमेजिंग. एंड इसमें आप कंफर्टेबल बिल्कुल रहोगे. एंड ये जो यहाँ पर मटीरियल है इट्स कुशनी, थोड़ा कुशनी है. एंड ये आप ना लगातार पूरे दिन पहनो, यू नॉट गोना फील डिसकम्फर्ट एट ऑल. और ये आप किसी भी सूट के साथ डाल सकते हो, कुर्ता सूट्स ऑफिस वेयर के लिए तो मस्त है यार. और अगर आपको कहीं पर जाना है टू लुक दैट क्लासी, ठीक है, तो क्लासी वाला ये एलिमेंट डेफिनेटली ऐड करने वाला. जस्ट इमेजिन यू आर वेयरिंग ब्लैक जीन्स विद दिस एंड दैट गोल्डन गुची की बेल्ट. इट लुक्स अमेजिंग. सो या आई विल हाईली रिकमेंड.
बहुत सुंदर है, इसका जो बेज कलर है ना ये अट्रैक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये जो लगी हुई है ऊपर लेदर, दिस इज ऑल पीओ लेदर ऑफ कोर्स यार, अब 250 रुपये में रियल लेदर तो नहीं मिल रही है भाई। इसमें वाइट कलर भी अवेलेबल था बट ये जो है ना बेज कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जस्ट आप देख सकते हो शेप इसकी बहुत प्यारी, यहाँ पर यू आर गेटिंग अ स्ट्रैप जो पीछे नहीं बल्कि आगे आपको वेयरन करना है। एंड ये जो मटेरियल है इतना कुशनी नहीं है, ऑनेस्टली इसका जो सोल है इतना कुशनी नहीं है, इट्स लाइक ओके ओके टाइप, बट हाँ इतना भी नहीं कि आप इसे डाल नहीं सकते आराम से। एंड एज इट इज सो फ्लैट तो आप आराम से इसे कैरी कर सकते हो। मुझे पर्सनली 250 रुपए के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छे लगे, मटेरियल बहुत अच्छा है बट नीचे से जो ये जो प्लास्टिक लगा हुआ ना ये सारा काम खराब कर रही है। मैंने बहुत बड़ी से डाला भी है एंड स्टिल इट इज इंटैक्ट व्हिच इज गुड थिंग 250 रुपए के अकॉर्डिंग। My Meesho Footwear Haul and आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इन केस अगर आपको और इसी तरीके से Meesho Footwear Hauls देखते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप फरमाइशें करो, मैं लेके आऊँगी वीडियो डेफिनेटली। बट हाँ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बस, बिंदास बाकी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टू द स्टे स्माइल, बाय, लव यू।